अरे कहाँ, भाजपा का तो विदेशों में चल रहा है दबदबा। मोदी ने इतना दबदबा बना लिया कि भारत दोबारा विदेश तक में जीत जाएगा वो चुनाव। अच्छा। भारत में तो कहे को अच्छा। विकास हो या ना हो, तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, अपन करेंगे जी। बस हमको पूरा भरोसा है मोदी जी पे और मुख्यमंत्री पे भी, और भाजपा के अलावा हम कहीं वोट देते ही नहीं। लेकिन आज जो प्रलोभन का जो दौर चला है मतदाताओं को रिझाने का, ये निश्चित ही देश को विकास की ओर नहीं गर्त की ओर ले जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजय वैष्णव, खड़ा हूं मैं सुहागपुर नगर में। विजयपाल जी यहां से विधायक हैं, पुरानी तहसील में से एक है। यहां पर क्या चर्चा चल रही है, व्यक्तियों के मतदाताओं के क्या मुद्दे हैं, चर्चा करेंगे सर क्या? अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बस अपना एक ही खिलता कमल। खिलता कमल, अच्छा, इसी से आशा और निराशा करते हैं उसी से। विकास, विकास की कहाँ पर आवश्यकता है? पूरा विकास हो चुका है क्या? विकास तो हर एक शहर में चल रहा है। नहीं, यहाँ पर के कुछ, यहाँ भी हो रहा है, कुछ न कुछ परसेंट हो जाएगा, अभी नहीं तो हो जाएगा। अच्छा, होते रहेगा, मगर अच्छा काम चल रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। चाचा क्या नाम है आपका? अरविंद चौरसिया। अच्छा चौरसिया जी, ये बताइए सुहागपुर में इस बार आपकी नज़र में क्या कुछ चल रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? चुनाव के मुद्दे तो ऐसा है, चुनाव खत्म कभी होंगे नहीं और मुद्दे भी कभी खत्म नहीं होंगे। अच्छा, मुद्दे भी आते रहेंगे, चुनाव भी आता रहेगा। विकास हो रहा है सुहागपुर में? विकास होता है, प्रगति के हिसाब से होता है, लेकिन कभी कभी टांग पकड़ के भी खींची जाती है। अच्छा। कभी कभी आदमियों को व्यक्तिगत रूप से इग्नोर किया जाता है, कभी कभी सामूहिक रूप से इकट्ठा भी किया जाता है। इस बार क्या चल रहा है? इस बार तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है। अच्छा। कोई व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है, कोई सामूहिक रूप से जुड़ता है, कोई समाज की दृष्टि जुड़ता है, कोई संगठन की दृष्टि जुड़ता है। आपकी नज़र में सुहागपुर में जितने विकास होना था हो चुका? लगभग हो रहा, बाकी है, लगभग हो चुका है। विजयपाल जी का कार्यकाल अच्छा रहा? उनका तो खैर सर्वश्रेष्ठ है, उनकी तो बात ही एक निराली है, उनसे बढ़कर तो कोई सुहागपुर में ना नेता अभी तक था, ना है, ना रहेगा। काफी सारे दुकान वाले हैं, रोड जाम की स्थिति यहाँ पर बन जाती है, लेकिन आखिर ये क्यों मजबूर है, इन्हें क्यों यहाँ पर ठेला लगाना पड़ता है? क्या चाहते हैं भैया, क्या क्या कुछ आप विकास चाहते हैं जिससे कि आपका जो जीवन है और शहर की व्यवस्था है ये अच्छा हो सके? दुकान बढ़िया सी बना के मिल जाए बस, ठीक है, और क्या। अच्छा भाई, व्यवस्थित व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जो चल रहा है ये भी व्यवस्था ठीक है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा यहाँ पर शहर में जाम जैसी स्थिति बन जाती है रोड पे, इतना ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। निश्चित तौर पर ये मेरी नजर में है कि यहाँ पर इनके लिए दुकानें बननी चाहिए जिससे कि सिस्टमेटिक इनका काम चले और शहर में भी जो नागरिक है आने जाने में उन्हें भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर सब संतुष्ट नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकाल से, विधायक जी के कार्यकाल से। अच्छा, किसे वोट दे रहे हैं इस बार? जो आगे खड़ा हो जाएगा। खड़े तो दोनों पार्टी से होंगे, अब ये तो कह नहीं सकते। अच्छा, आपकी नज़र में बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया है, बढ़िया है। ज़्यादातर हमें अभी तक हमने जो चर्चा करी है वो बीजेपी के कार्यकाल से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये विजयपाल जी के लिए एक अच्छी बात है कि जो मतदाता है वो बात कर रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रेम नारायण। अच्छा, इस बार क्या चल रहा है सुहागपुर में? अब कुछ भी चल रहा हो मगर मैं बीजेपी को वोट दूंगा, बात खत्म। अच्छा, किससे आगे नहीं बोलूंगा। विकास पूरा हो चुका सुहागपुर में? हो तो ठीक, नहीं हो तो होगा, इस उम्मीद पर। वजह जान सकता हूँ? वजह जान सकता? बीजेपी में इतना जो भरोसा है आपका? हाँ, बीजेपी में भरोसा है, मोदी पे भले ही भरोसा ना हो। अच्छा। लेकिन मैं मतलब आरएसएस से हूँ, तो मैं तो शुरू से मतलब एक ही जगह चल रहा हूँ और आगे तक चलूंगा। अच्छा, बस विकास हो या ना हो, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, अपन करेंगे जी। बस भगवान के उस पर मतलब राजनीति पे नहीं है, हम तो अपने आप पे विश्वास रख के करेंगे। निश्चित तौर पर यही हमारा मकसद भी है भाजी। आप, हमारा मकसद यही है कि जो मतदाता है, जो वोट डालता है, जो सरकार का फैसला करता है, उसके मन में क्या चल रहा है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, तो आपका, आपके पास ये बात पहुंचे और जाहिर तौर पर ये जो वीडियो है वो जनप्रतिनिधियों तक भी जाएगी, किसी को निराश करेगी और किसी को और उत्साह उसका बढ़ाएगी। अच्छा हाँ, और ये देश बहुत बड़ा है, यहाँ विकास कार्य होते रहते हैं,
और विकास कार्य होना भी चाहिए, और जितना हो सका उन्होंने किया और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। बीजेपी के सपोर्ट में हैं हम? सपोर्ट करते हैं। आप वोट डालते हैं बाबूजी? वोट डालते हैं साहब, और हम बीजेपी के आदमी हैं हरे। अच्छा। और उसके बाद में हमको पूरा भरोसा है मोदी जी पे और मुख्यमंत्री पे भी, और भाजपा के अलावा हम कहीं वोट देते ही नहीं। हम एक वजह जान सकता हूँ भाजपा से इतना प्यार क्यों? इसलिए है कि हम बचपन से ये देख रहे हैं कि लोग भाजपा का और वो झोंपड़ी छाप ये थी पार्टी ये जो भी है तो वो कांग्रेस के विरोध में चलती थी, और हमको उसमें क्या है कि हमको घुट्टी उस जो हमने पी है तो हमको भाजपा ही भाजपा दिखती है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी कुछ लोग हैं, अलग अलग वर्गों के लोग हैं। यशवंत कुमार पचौरी। अच्छा पचौरी जी, ये बताइए इस बार क्या कुछ चल रहा है चुनाव में? सर एक मिनट, आ जाइए आप। ये भाजपा के समर्थन में ज़्यादा माहौल दिखाई दे रहा है। अच्छा। और यहाँ पर पिछली बार जो है विधानसभा में टक्कर अच्छी थी कांग्रेस और भाजपा में। अच्छा। लेकिन टोटल क्या है कि अपना मोदी जी का और मुख्यमंत्री इस समय बहुत सारी घोषणाएं कर चुके हैं, बहुत सारे काम नए नए कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि चुनाव के समय करते हैं वो अलग बात है, लेकिन 5 साल भी लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी थोड़ी सी बम्पर घोषणाएं जैसे लाडली बहना और इस प्रकार की कई योजनाएं उन्होंने घोषणा की है और कई लोगों को संतुष्ट करने की चेष्टा की है। नए नए मतदाता भी आते हैं। ये बच्चा आपका बड़ा शरारती है, बात नहीं करने दे रहा। सर क्या नाम है आपका? रतिराम पटेल। अच्छा पटेल साहब, ये बताइए क्या कुछ चल रहा है सुहागपुर में? अरे कहाँ, भाजपा का तो विदेशों में चल रहा है दबदबा। मोदी ने इतना दबदबा बना लिया कि भारत भारत विदेश तक में जीत जाएगा वो चुनाव। अच्छा। भारत में तो कहे को आप भी जिता रहे हैं? अरे हम तो जिताएंगे, जब पूरा भारत एक तरफ जाएगा तो हम क्यों बाहर जाएंगे? नहीं तो अगर आपकी नज़र में वजह क्या है जो एक तरफा प्रजातंत्र में हम रह रहे हैं और एक पार्टी के लिए नेताओं के लिए इतना प्यार मतदाता की दिल में है, आपके आपके मन विचार से क्या है? देखो भाई, भाजपा ने जो है गांव का विकास किया, गांव को सुधार किया। आज कहीं गांव से कहीं भी जीप डाल दो, मोटरसाइकिल डाल दो, साइकिल डाल दो, उतरना नहीं पड़ेगा। और उसके पहले इतनी कीचड़ होती थी, इतनी कीचड़ होती थी, लोग जाना मुश्किल समझते थे। ये कारण है। दूसरा, गांव के लोगों को मकान दे दिया, मकान से क्या हुआ है, जो लोग झड़पट्टी नहीं बना सकते थे, टीन नहीं लगा सकते थे, वो आज लेंटरों में रहे। 4 भाइयों 3 भाइयों को मिल गया, तीनों ने एक संग। कांग्रेस कह रही है ये योजना तो उनके ज़माने से चलती आ रही है, मोदी जी ने तो बस सिर्फ उसमें पैसे बढ़ाए हैं। कांग्रेस में इंदिरा आवास देते थे छोटे छोटे, वो भी जो सचिव सरपंच के रहते थे वो चमचे, उनको छोटे छोटे मकान बना के देते थे गरीबों को। दर 2 साल के बाद टूट जाते थे, ऐसे मकान बनाते थे कांग्रेस, और जिसने लेंटर दिया। अच्छा। भ्रष्टाचार, कमलनाथ जी भ्रष्टाचार के भी काफ़ी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा जो प्रदेश सरकार है वो भ्रष्टाचार से भरी हुई है। देखो भाई, भ्रष्टाचार कमाने के लिए दुनिया उठा है, कमाना सब चाहते हैं, चाहे भ्रष्टाचार से कमाए चाहे उससे कमाए। देखो भाई, ये भरना सब है, क्योंकि इस समय कोई नहीं है पदाधिकारी, कोई नहीं है अधिकारी, कोई नहीं है। कलेक्टर से चपरासी से कलेक्टर डर रहा है, क्योंकि उनके सब, क्योंकि अभी सब इकट्ठे होकर उनका जो वो है क्या संगठन, तो वो वॉकआउट करेगा। गौरी शंकर बिसेन ने घुटना टेक करवा दिया था, कौन को? एक चपरासी को, एक पटवारी को। तो फिर पटवारियों ने जब हड़ताल करी, नहीं 2 महीने हड़ताल करने के बाद गौरी शंकर बिसेन को माफ़ी मांगना पड़ा पटवारियों से। तो यहाँ कोई जवाबदार कोई नहीं, अपना पेट सब भरना चाहते, चाहे वो कोई भी पार्टी, बीजेपी के नेता पेट भर रहे हैं, सब पेट भर रहे, पूरा कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी दल हो, क्योंकि उन्हें जवाबदार कोई है नहीं इंडिया में, कुछ नहीं जवाबदारी कोई की नहीं है। सब जितने भी सब चूतिया बनाओ और काम, राजनीति का एक मकसद हो चुका है समाज सेवा से इतर ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। समाज सेवा है क्या? समाज सेवा का मतलब समझाओ तो। रामायण महाभारत गीता, शिवराज जी तो कहते हैं कि मैं सेवा करने के लिए ही आया हूँ, सेवा ही मेरा जो मकसद है। आप क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? सेवा सेवा क्या होती है? आ जाइए सर प्लीज, स्वागत है आपका NVTV में। सेवा करने वाले वो होते हैं महावीर बिनवाऊ हनुमाना राम जास जस जास खाना। सेवा उनने करी, उनने कुछ नहीं किया, वो इतने बड़े केसरी राजा के पुत्र होकर हनुमान जी ने त्याग किया और रामचंद्र जी की शरण में रहे, ना बीवी पैदा बीवी लाए ना बच्ची लाए, उनका नाम त्याग है, त्याग। ये तो सब बीजेपी को वोट जा रहे हैं? नहीं, त्याग कोई के पास नहीं है, त्याग में आग वाली बात नहीं, तो जो है जैसा बन रहा है वैसा कर रहे हैं और जैसा होगा वैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भाई साहब क्या नाम है सर आपका? नवल किशोर मेहरा, सेंट्रल वेयर हाउस
मैनेजर रिटायर्ड। ओके सर। बुरहानपुर में मेरी 32 साल पोस्टिंग रही और मेरा ये नेटिव है सुहागपुर, ये मेरी जन्मभूमि है। और आपको मैं शुक्रिया और बधाई देता हूँ कि आपने मुझे एक छोटा सा 2 सेकंड का अवसर दिया। बताइए आपका क्या विषय, क्या चल रहा है सुहागपुर में, इस बार चुनाव का किस मोड में नज़र आ रहा है? देखिए, इस विषय से मैं थोड़ा सा दूर इसलिए हूँ क्योंकि मैं बुरहानपुर ज़्यादा रहता हूँ और अभी मैं 3-4 दिन पहले ही आया हूँ, चूँकि मेरी जन्मभूमि है। लेकिन फिलहाल जो पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश का है, जन्मभूमि है जो मध्य प्रदेश का है, जो एक बीजेपी का आप जो सर्वे कर रहे हैं, बीजेपी का है या कांग्रेस का कुछ भी है, पब्लिक का जो मत है, हमेशा देखिए आदमी परिवर्तन चाहता है। कुछ भी हो, आप प्रतिदिन किसी के घर रोज़ नया टिफिन पहुंचाते रहें, फिर भी वो कहेगा यार भैया रोज़ एक ही एक सब्जी देते हैं आप, कुछ बदल के दीजिए। तो मेरा वो अर्थ नहीं है, सत्ता किसी की भी हो, सभी सरकारें अपनी ओर से बहुत अच्छे प्रयास कर रही हैं और प्रलोभन भी देती हैं। लेकिन आज जो प्रलोभन का जो दौर चला है मतदाताओं को रिझाने का, ये निश्चित ही देश को विकास की ओर नहीं गर्त की ओर ले जाएगा। क्योंकि इससे आज नौजवान बेरोजगार है या जो भी पीढ़ी हो रही है वो इसकी आदि होते जा रही है। वो कोई कह रहा हम ये देंगे, कोई कह रहा हम वो देंगे, ये नहीं, उनको रोजगार के अवसर दीजिए। कोई भी सरकार के प्रति मैं इंगित नहीं कर रहा, किसी को इंटेंशनली नहीं बोल रहा हूँ। आज युवा जो है देश का, वो आपसे रोजगार मांगता है। आपने उसको अगर फ्री में कोई गिफ्ट दे दी, उसकी वैल्यू नहीं है उसके लिए। जैसे पिता पुत्र को फ्री में उसी वक्त कार गिफ्ट दे देता है या मोटरसाइकिल, तो उसकी वैल्यू नहीं समझता। वो जिस दिन खुद खरीदता है तो एक एक नट और पुर्जे की वैल्यू जानता है। तो आज आप कोई भी सरकार हो, मेरा यही आह्वान कि वो उन्हें रोजगार के अवसर दें, रेवड़ियाँ बांटना बंद करें। इससे ये केवल अपना स्वार्थ सीधा कर रहे हैं, किसी भी रूप में कर रहे हैं, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। बाकी मेरी सभी पक्षों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, सब मेहनत करें और जनता को एक बढ़िया राह दिखाएं, अच्छा विकास की ओर ले जाएं, ना कि कुछ बांट के अपनी ओर करें। क्योंकि वो 2 मिनट के लिए आपका होगा, वो सामान जिस दिन ख़त्म हुआ अगले ने अच्छा और दे दिया तो वो उसकी तरफ हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है देश की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका अनिल चौरसिया जी, क्या कुछ नज़र आ रहा है आपको चुनाव में इस बार? भारतीय जनता पार्टी। आखिर क्या बात है, मुझे एक भी यहाँ पर विपक्ष का या हम कह सकते हैं एसबी ऐसा कोई भी नागरिक कभी चर्चा के दौरान समझ में नहीं आया सुहागपुर में इस क्षेत्र में, जो बीजेपी को बीजेपी के कामों से निराश हो? क्योंकि पिछले 9-10 साल में जितना काम बीजेपी के शासन में हुआ है उतना कांग्रेस ने पिछले 70 साल में नहीं किया, यही कारण है। आपका बॉडी बीजेपी को? बीजेपी को। भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं? नहीं, ये तो गलत है। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ था, बीजेपी के में भी हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ और विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। एक बात यहाँ समझ में आई है, यहाँ पर हमें कुछ संघ के सपोर्टर्स भी मिले, कुछ सज्जन हमें मिले जिन्होंने निश्चित तौर पर नागरिकों को और पार्टियों को राह दिखाने की भी बात कही। और एक सूत्र में मैं आपको कहूं आज की चर्चा में, एक तरफा बीजेपी की लहर है, विजय पाल जी के यहां पर बहुत सपोर्ट में मतदाताओं ने बात करी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहां पर जो लहर है वो बीजेपी की आ रही है। आप देख रहे हैं NBTV, संजय वैष्णव की एक खबर सुहागपुर के इस क्षेत्र से देख रहे हैं।